हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों, स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं यहां पर बुक समराइजेशन लेके आया हूं, जिसका नाम है ब्रेकआउट रीटेस्ट स्ट्रेटजी एंड की लेवल अल्टीमेट गाइड। दोस्तों, इस बुक में मैं यहां पर आपको सिखाने वाला हूं, ब्रेकआउट जो भी स्टॉक करता है वो 80% यहां पर रीटेस्ट करने के लिए आता ही आता है। तो यहां पर मैं कुछ आपको ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा रिगार्डिंग प्राइस एक्शन, जिसमें जब स्टॉक रीटेस्ट करने आएगा तो आपको किस तरीके से ट्रेड लेनी है, जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट घर लेके जाएं। इस बुक समराइजेशन को हार्डली मैं यहां 4 या 5 चैप्टर्स के अंदर खत्म करने वाला हूं। तो भूल के भी या तो इस वीडियो को या इस बुक समराइजेशन को स्किप करने की कोशिश मत करना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, ये जो प्रो ट्रेडर्स अपनी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, वही इस बुक में यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। चॉइस आपकी है, 50,000 का कोर्स ले लो या इस बुक समराइजेशन को ठीक से दिमाग से पढ़ लो। दोस्तों, इस बुक का जो कंटेंट है वो मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहले है मनी मैनेजमेंट रूल। मैं यहां पर एलोब्रेट नहीं करूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो जाके आप सर्च कर लें, टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा। फिर 5 प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये आपको मैं एलोब्रेट करने वाला हूं। फिर सपोर्ट और रेसिस्टेंस, एमेच्योर वर्सेस प्रो, की लेवल, यहां पर जो हमारे की लेवल्स हैं स्ट्रेटजीज के, वो मैं आपको यहां पर डिफाइन करूंगा। और बहुत सारी चीजें जैसे ट्रेंड कन्फर्म और बहुत सारे यहां पर जो इसके कंटेंट है वो यहां पर एलोब्रेट मैं करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे 5 प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जो कि हर ट्रेडर्स को पता ही है। यहां पे पहला है कि भाई अपने कैपिटल का 1 या 2% रिस्क पे रखें। दूसरा, यहां पर जो भी जब आपको जिस ट्रेड से प्रॉफिट हो जाए तो नेक्स्ट ट्रेड में अपना जिस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ है वो उसको ही रिस्क पे रखें, अपने लॉ कभी ब्रेक नहीं करें, वगैरह वगैरह। ठीक है, कुछ ऐसे यहां पर बेसिक रिस्क मैनेजमेंट के लॉ हैं जो कि आपको गूगल पे या यूट्यूब पे बतेरे मिल जाएंगे। मैं इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बार बार एक ही चीज को बता के। अब मैं आता हूं अपने इस बुक समराइजेशन के मेन कंटेंट पे, जिसका नाम है रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट इन प्राइस एक्शन एमेचर वर्सेस प्रो। ये कोड इन्होंने क्यों डाला है, एमेचर वर्सेस प्रो। दोस्तों, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और जो इस बुक को यहां पर देख रहा है उसमें 99% लोगों को ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा कि भाई रेसिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, बट इन्होंने ये क्यों डाला है, अमेचर वर्सेस प्रो। दोस्तों, जब भी आप सपोर्ट रेसिस्टेंस को यहां पर ट्रेड करते हैं तो जो हमारे अमेचर भाई लोग होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, वो हमेशा फंसते हैं, और जो लोग अमेचर होते हुए इनमें ट्रेड करते हैं रेसिस्टेंस और सपोर्ट पे, वो हमेशा अपना जो स्टॉप लॉस है उसको हिट कराते हैं। तो ऐसा प्रो क्या अलग करते हैं जो कि अपने स्टॉप लॉस को हिट नहीं होने देते, वो हम यहां पर सीखने वाले हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं रेसिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों, मार्केट हमेशा अपनी हिस्ट्री को फॉलो करता है। तो दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा ये कोई प्रीवियस पॉइंट होगा मार्केट का, जहां पे मार्केट यहां से नीचे आया है। तो दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हैं, अगर आप रेसिस्टेंस को प्रेडिक्ट करें तो अगली बार भी यहीं से मार्केट क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो यही हमारा रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है, और वहीं हमारा सपोर्ट का भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि कभी हिस्ट्री में यहां से मार्केट ऊपर गया तो नेक्स्ट टाइम भी यहां से ही मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर अगर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको आ रहा है, भाई हम स्विंग ट्रेडर है तो सर हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें। तो दोस्तों, मैं यहां पर आपको 2 टाइम फ्रेम बताऊंगा, वही आपको फॉलो करने इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। दोस्तों, पहला है 1 आवर का और दूसरा है 4 आवर का। अब बोलेंगे भाई 2 टाइम फ्रेम क्यों बताए हमको, क्योंकि दोस्तों 4 आवर का हम इसलिए यूज करेंगे केवल ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए कि मार्केट में एक्चुअल में बड़े लेवल पे चल क्या रहा है, और 1 आवर का हम क्यों यूज करेंगे, अपने की लेवल्स निकालने के लिए और ट्रेड डालने के लिए एक्यूरेटली हम 1 आवर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 2 टाइम फ्रेम हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप 1 आपको करना क्या है इस स्ट्रेटजी में, ये ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहां पे पहले आपको 4 घंटे का यहां पर 4 आवर आपको सेलेक्ट करना टाइम अपने टाइम फ्रेम पे, फिर अपने स्टॉक को देखना है। मान लीजिए ये स्टॉक आपको यहां पर दिख रहा है, तो यहां पे 4 आवर के चार्ट हमने यहां पर लगाया हुआ, तो आपको यहां पर क्या दिख रहा होगा, आप जरा गौर से देखेंगे तो ये पॉइंट है हमारा रेसिस्टेंस लेवल, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है। यहां पर आपको क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट इस पॉइंट से यहां पर हमेशा रेसिस्टेंस ले रहा है, और इस रेसिस्टेंस को लेते हुए मार्केट बार बार क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, बार बार नीचे आ रहा है। तो दोस्तों, यहां पे अभी हम की लेवल का कॉन्सेप्ट यहां पर अभी आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों, की लेवल मतलब इंपॉर्टेंट लेवल। तो दोस्तों, जब भी हम ब्रेकआउट रीटेस्ट स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो हमको की लेवल का बहुत ही ज्यादा यहां पर ध्यान में रखने वाला है। तो दोस्तों, 2 तरीके के की लेवल होते हैं, एक की लेवल और एक वाइस की लेवल। मैं आपको समझाने वाला हूं
होता क्या है, ठीक है। अभी अभी आप छोड़ दीजिए इस चीज को, ठीक है, मैं आपको क्लियर करता हूं। तो दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा है 4 आवर के चार्ट पे, ठीक है। तो अभी हम यहां पर इसको एलोबरेट करने के लिए अब चलते हैं, स्विच करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो दोस्तों अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम इसको करेंगे स्विच, तो यहां पे आपको कुछ इस टाइप की पिक्चर बनती नजर आएगी, जहां पे मार्केट हमारा इस पॉइंट से क्या ले रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा था। दोस्तों ये था हमारा यहां पर की लेवल, ठीक है, ये हमारा ये पॉइंट हमारा की लेवल था, क्योंकि मार्केट बार बार इस पॉइंट से रीटेस्ट यहां से रेसिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था। बट इस पॉइंट पे क्या हुआ, ऐसा मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट दे दिया। तो यहां पर क्या करेंगे, जो एमेचर लोग होंगे, जो एमेचर ट्रेडर होंगे, यहां पर जंप करेंगे ट्रेड लेने के लिए कि भाई ब्रेकआउट हो गया, फटाफट ट्रेड एंट्री यहां पर लो। बट क्या होगा, थोड़ी देर में मार्केट रीटेस्ट करने आएगा और उनके स्टॉप लॉस को क्या कर देगा, खा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ऐसा आपको क्या करना है, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। यही हम इस पूरी समराइजेशन में सीखने वाले, किस टाइप से हम यहां पे करेंगे। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, एक की लेवल होता है और एक यहां पर हमारा वाइस की लेवल होता है, ठीक है। तो मैं अभी इसको थोड़ी देर में एलोबरेट करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप इसको यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये हमारा ये मेन रेसिस्टेंस लेवल था ये वाला, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट देने से पहले यहां पे एक बार ट्राई किया ब्रेकआउट देने का, फिर नीचे आया, यहां पे फिर ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, थर्ड टाइम ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, फिर नीचे आया। ये सारी कहानी हो रही है हमारे 1 आवर के चार्ट पे। तो दोस्तों यहां पे एक और की लेवल बन गया सपोर्ट के बेस पे, ठीक है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर जो हमारा लेवल हो चुका है, और जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेकआउट दिया है, यहां पर आप जो है प्रयोग, जो हमारे एमेचर ट्रेडर है वो ट्रेड लेंगे, बट एक समझदार ट्रेडर ट्रेड नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्केट पहली बार में नहीं जाएगा ऊपर, जाने को जाएगा बट बहुत ही रेयर केस में। अब यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा आपने वेट किया और थोड़ा सा आगे चलने के बाद आप क्या देखने वाले हैं, ये दोस्तों यहां पर आप देखिए, अब यहां पर हुआ क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर क्या हुआ था कि जब मार्केट इस इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, इस पॉइंट पे रेसिस्टेंस उसने ब्रेक किया और यहां पे ब्रेकआउट दिया, बट यहां तक जाने के बाद ही मार्केट फिर से नीचे आ गया, ठीक है। किसके लिए, कौन सा लेवल था दोस्तों, ये था हमारा जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हमने ड्रॉ किया था बिल्कुल ठीक वहीं पे। दोस्तों जो हमारा मेन की लेवल था उसको ब्रेकआउट दिया, मार्केट रीटेस्ट करने आया, तो जो ट्रेड जिन्होंने ली होगी उनके स्टॉप लॉस कहां होंगे दोस्तों, इसके भी नीचे होंगे। बट हमेशा लोग भूल जाते हैं कि एक और एक की लेवल बनता है हमारा मेन की लेवल की जगह, एक की लेवल और बनता, वो था हमारा नीचे यहां पे, ठीक है। तो मार्केट यहां तक ही रीटेस्ट करेगा। लोग क्या गलती करेंगे कि भाई मार्केट तो हमारा कहां तक जाएगा, मार्केट हमारा इस पॉइंट तक जा जाता, यहां तक स्टॉप लॉस हमारा हिट करेगा, बट उनको नहीं पता मार्केट हमेशा मोस्ट ऑफ टाइम जो उसका मेन की लेवल है, जो नया की लेवल बना है, नया की लेवल कौन सा बना था, ये वाला जो हमको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, और मार्केट वहीं तक रीटेस्ट करने आएगा। ये लेवल बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यहां पर आपको वेट करना है, और यहां पर इस लेवल, जब मार्केट इस लेवल पर आएगा तब यहां पर आपको देखना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हैमर्स टाइप बन रहे हैं, जो कि आपको आराम से बताएंगे कि मार्केट यहां से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों यहां पे जब आप देखेंगे कि मार्केट में एक बाइंग आई और फिर बड़े ट्रेडर्स ने अमेचर ट्रेडर्स को यहां पर खाने के लिए मार्केट को नीचे लेके आए, उन्होंने को लगा हम यहां पे स्टॉप लॉस रखेंगे तो बच जाएंगे, बट नहीं हुआ, मार्केट बिल्कुल जो उनका नया की लेवल है वहां तक वो लेके आया, और उसके बाद मार्केट में ब्रेकआउट यहां पर इन्होंने दे दिया, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जो हमारा ब्रेकआउट है वो किस तरीके से काम करता है, मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आएगा। मैं आपको यहां पर एक छोटे से डायग्राम से मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मान के चलिए ये हमारा की लेवल है, ठीक है, जिसको हम रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, बार बार ट्राई कर रहा है बट नहीं जा पा रहा, फिर बार बार ट्राई कर रहा है नहीं जा पा रहा, कोशिश कर रहा है, बट मान लो फाइनली यहां पे
इसने ब्रेकआउट दिया है। तो दोस्तों जैसे ही ब्रेकआउट देता है आप ट्रेड लेंगे, बट यहां पर आपको स्विच करना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है। और जो यहां पे कुछ लेवल बना होगा, यहां पे ब्रेकआउट देने से पहले कुछ ना कुछ लेवल बना होगा जो कि आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखेगा, वहां पे आपको स्विच करना है और उस लेवल को ड्रॉ करना है। फिर आपको वेट करना है कि मार्केट यहां पे नीचे आएगा, ठीक है। नीचे आने जरूरी नहीं है, यहां से भी वो ऊपर जा सकता है, बट आपको यहां पर अपना प्राइस एक्शन पर ध्यान देना। अगर वो यहां पे आता और कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन बनाता जो कि रिवर्सल के साइन देगा, तब आपको ट्रेड लेनी है। बट हालांकि ये बहुत टू अर्ली है, बट ये एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको और ज्यादा एलोब्रेट करूंगा आने वाली बुक में, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्टेप नॉर्मल इनको आपने यहां पर समझाने की कोशिश की हमारे ऑथर ने। हमेशा ब्रेकआउट जब देगा तो एक नया की लेवल जरूर बनाएगा मार्केट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे की लेवल बना ये वाला, ठीक है, और वही मार्केट में इंपॉर्टेंट हो गया था। अब यहाँ पर ब्रेकआउट एंड रेसिस्टेंस स्ट्रेटजी, यहाँ पर ये हम आपको सीखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट होता है मार्केट में, रीटेस्ट के लिए आता ही आता है 60 to 70 पर, यहाँ पर परसेंट यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट के लिए आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है जब मार्केट डिटेस्ट करने आएगा तब आपको क्या क्या देखना है। देखो सबसे पहले है आपके की लेवल, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से की लेवल होते हैं, वो मैंने आपको समझाया और आगे भी बता दूंगा। फिर ट्रेंड कंफर्मेशन, आपको देखना है कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर मार्केट में अब ट्रेंड है तो भाई आपको क्या है अब ट्रेंड की ही ट्रेड लेनी है, तब आप यहां पर रिवर्सल देखोगे ऊपर जाने के लिए। तो ट्रेंड बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मोमेंटम ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको ये भी देखना है कि भाई ब्रेकआउट किस मोमेंटम के साथ हुआ, अगर बहुत बड़े मोमेंटम के साथ हुआ तो शायद वो रिटेस्ट करने भी नहीं आए, ठीक है। ट्रेडिंग मल्टीपल टाइम फ्रेम, वो हम यहां पर आपको बता ही चुके, 2 टाइम फ्रेम आपको यूज करने हैं, 1 आवर और 4 आवर, ये यहां पर आपको यूज करने ही करने हैं, ठीक है। अब यहां पे जो यहां पर जो हमारा की लेवल है वो बहुत ही ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन वहीं से मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं या उसी से नीचे लो, उस जो हमारा की लेवल है उससे मार्केट को नीचे लेके आते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब मार्केट ब्रेकआउट होता है तो शायद ट्रेडर्स को लगता होगा हमको मार्केट में एंट्री का मौका नहीं मिलेगा, बट यही आपको सीखना है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, हर एक ब्रेकआउट में तुरंत नहीं घुसना है, थोड़ा आपको मोमेंटम वगैरह देख के यहां पर टेस्ट करना है जब मार्केट रीटेस्ट के लिए आता है, ठीक है। वो क्यों होता है मार्केट में रीटेस्ट क्यों होता है, पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी मार्केट यहां से रीटेस्ट करेगा तो यहां पर कुछ ऐसे अमेचर ट्रेडर भी होंगे जिनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वो उसको एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। और इंस्टीट्यूशन हमेशा एक वे में नहीं होता, इंस्टीट्यूशन भी हमेशा एक बार में मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाएगा, ठीक है। और जो कुछ नए लोग यहां पर एंट्री लिए होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए मार्केट नीचे आता है, और इस पॉइंट पे यहां पर लोग सोचते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर चला जाएगा, जो कि जा भी सकता है, बट एक और इंपॉर्टेंट की लेवल होता है वो यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, क्योंकि अगर मार्केट यहां तक आ गया तो सबकी जो इच्छाएं वो पूरी हो जाएंगी, जो इच्छाएं होती हैं इंस्टीट्यूशन की, उनको लो लेवल पर मार्केट मिलेगा, और यहां पर जब किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ के मार्केट नीचे आएगा तो यहां पर आदमी जो ट्रेडर होगा वो बाइंग के लिए नहीं सेलिंग के लिए सोचेगा, और वही एक आइडियल कंडीशन होती है इंस्टीट्यूशन को बाई करने की। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक चार्ट यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे, ये हमारा एक की लेवल हो गया, ठीक है, ये लेवल हो गया हमारा की लेवल। देखो इस पॉइंट पे यहां पे ये हमारा की लेवल का मार्केट नीचे आया, सेकंड पॉइंट टच नहीं किया, थर्ड पॉइंट पे इसने ब्रेकआउट यहां पर दे दिया, ठीक है, मार्केट गया ऊपर और एक और बार रीटेस्ट करने पक्का आया। अगर हम इसको रीटेस्ट, अगर ये हमारा एक मेन की लेवल हो गया, बट अगर हमको एक और की लेवल बनाना होता तो हम कहां बनाते दोस्तों, वो हमारा बनता यहां पे, ठीक है। अगर मार्केट इसको नीचे तोड़ के नीचे आता तो मार्केट यहां तक अब हमारा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की ट्राई करता, बट यहां पर जरूरी नहीं है कि हर बार मार्केट की लेवल तक आए, जो मेन की लेवल तक आए, अब उसने क्या किया यहां पे आया रीटेस्ट कर और मार्केट ऊपर की तरफ चल गया। तो बहुत सारे सिनेरियो हम इस बुक में आपको बताने वाले हैं आगे चल के, ठीक है, बस आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते रहना, ठीक है। तो ये था दोस्तों, मैंने आपको बताया जब भी आपको 3-4 चीजें देखनी है, आपका की लेवल आपको देखना, ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है और मोमेंटम, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि देखो मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट मार्केट ऊपर गया, पहला जो की लेवल है उसको सपोर्ट किया, फिर दूसरा दोबारा सपोर्ट लिया, फिर यहां पर ऊपर जाता है और यहां पर इस की लेवल को ब्रेक
कर देता है। ठीक है, यहां पे ब्रेक हो गया तो एमेचर ट्रेडर यहां पर एंट्री लेगा, बट जो प्रो ट्रेडर है वो वेट करेगा रीटेस्ट के लिए। यहां पे मार्केट रीटेस्ट के लिए आया और यहां पर वो एंट्री ले देगा। ठीक है, और यहां तक उसका टारगेट हो जाएगा। तो हमने दोनों साइड्स देख ली दोस्तों, बाइंग की भी और सेलिंग की भी। पिछले में हमने बाइंग की देखी थी और ये जो चार्ट है वो ये हमारा दिखा रहा सेलिंग का। तो दोस्तों यहां पे आपको दोनों तरीके से ट्रेड अगर करनी है, बाइंग में भी सेलिंग में, तो आपको कुछ इस टाइप का ही ट्रेड यहां पर जो चार्ट है एनालिसिस करना है। ठीक है, अभी हम और अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। देखो तो एक चार्ट और यहां पर आपको दिख रहा होगा, अगर आप इस चार्ट में देखें तो यहां पे इस पॉइंट पे इसने ब्रेकआउट दिया है मार्केट में, बट ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट, फिर ऊपर, फिर रीटेस्ट, फिर ऊपर, फिर रीटेस्ट, और दोस्तों कितनी बार रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। अगर हम इसको देखें तो ये एक हमारा एक रेंज में भी आपको चार्ट फंसा हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हम आपको हर तरीके से यहां पर बताने वाले हैं रीटेस्ट का थ्योरी, जब मार्केट रेंज में हो, जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, वो सब इस बुक में हम कवर करने वाले हैं। जरूरी है रीटेस्ट एक बार, यहां पर आप देख सकते हैं लगभग चार बार मार्केट ने क्या किया यहां पर रीटेस्ट किया है दोस्तों। तो रीटेस्ट यहां पर रीटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर हमेशा वर्क करता है, एक बार ब्रेकआउट नहीं होता। इवन अगर हम यहां पे इसको देखें तो यहां पे जैसे कि अगर यहां पे भी ऊपर की अगर मार्केट रेंज में फंसा हुआ तो इसने यहां पे ब्रेकआउट दिया और इसको भी ये रीटेस्ट करने आया ही आया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है और मोस्ट ऑफ लोग इसको मिस कर जाते हैं। तो यहां पर आपको ट्रेड कैसे करनी है पहले ये समझिए दोस्तों। पहले आपको दो टाइम फ्रेम लेने, वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, एक घंटे का, और यहां पर अब यहां पर अप ट्रेंड में आपको बाइंग करनी है और डाउन ट्रेंड में आपको सेल करना है। ठीक है, जो स्मॉल टाइम फ्रेम होगा उसको हम यहां पर की लेवल ढूंढने के लिए, दूसरा की लेवल ढूंढने के लिए और ट्रेड को ट्रेड में एंट्री लेने के लिए यहां पर हम यूज करेंगे। ठीक है ना, व्हेन द प्राइस रिएक्ट टू द की लेवल शोइंग रिजेक्शन या कंटिन्यूस वी एंटर द फॉलोइंग ऑर्डर। अब यहां पर थ्री टाइप ऑफ प्राइस रिट्रेसमेंट यहां पर हम समझने वाले हैं, किस टाइप से प्राइस रिट्रेस होता है, तीन टाइप के दोस्तों। पहला है हमारा ये वाला, एक मिनट, पहले आप जो मैं ये बना रहा हूं, एक मिनट, जो मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं केवल आप उस पर थोड़ा फोकस करना, मतलब लेफ्ट वाले पे। दोस्तों यहां पे मैंने आपको बताया था की लेवल्स के बारे में, अब यहां पर अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं जो कि पूरे बुक में आपको काम आएगी। दोस्तों हमारे जो लेवल होते हैं वो दो टाइप के की लेवल होते हैं, एक हमारा होता है नॉर्मल जिसको हम बोलेंगे की लेवल, ठीक है, और एक होता है हमारा वाइस की लेवल। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई क्या वाला है ये, एक वाइस की लेवल हो गया। दोस्तों जो हमारा मार्केट पहला ब्रेकआउट देता है पहला वाला, उसको बोलते हैं हम यहां पर वाइस की लेवल, मतलब, और जो मार्केट रिट्रेस होके नीचे आता है उसको हम बोलते हैं हमारा मेन की लेवल, मतलब जब जैसे कि मार्केट ऊपर गया फिर ये पहला जो रिट्रेस करने आया इसको हम बोलेंगे मेन की लेवल। जैसे मैंने आपको पिछले चार्ट में एग्जांपल दिया था वन आवर वाले में, जहां पे मार्केट रिट्रेस होकर रुका था वो हो गया हमारा मेन की लेवल, और ये हमारा है वाइस की लेवल। तो वाइस की लेवल के ऊपर गया मार्केट, यहां पर ये हो गया हमारा। अब अगर हम तीनों चार्ट में देखें तो हमारा जो मेन की लेवल है वो दोस्तों यही है, मेन की लेवल हमारा नीचे ही वाला है। जो पहला वाला लेवल होगा वो होगा हमारा की लेवल, और जहां पे रिट्रेस करके मार्केट नीचे आएगा, मतलब जहां से मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है वो होगा हमारा की लेवल, और जहां पे मार्केट रिटेस्ट करके आएगा या तो इस पॉइंट पे आएगा तो हमारा की लेवल, बट अगर दूसरे वाले उस पर आया तो ये हमारा मेन की लेवल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला होगा हमारा वाइस की लेवल। ठीक है, अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहां पे क्या सिनारियो है मार्केट, हम किस तरीके से आपको मार्केट में ट्रेडिंग ट्रेड मिल सकती है पहले वो सीखिए। देखो पहला सिनारियो ऐसा हो सकता है मार्केट हमारा ऊपर जाएगा, ऐसे हमारे मेन की लेवल वाइस की लेवल को टच करेगा, फिर नीचे आएगा, प्राइस एक्शन बनाते हो और ब्रेकआउट देगा। ठीक है, ब्रेकआउट आपने दे दिया, अब तक आपने ट्रेड नहीं ली, बट वो रिटेस्ट करने के लिए केवल आएगा, अपने वाइस की लेवल को रिटेस्ट करके ऊपर चला जाएगा। या तो ये सिनारियो आपको देखने को मिलेगी मार्केट में, या दूसरी वाला एक और हमारा है वो भी मिल सकता है जिसमें मार्केट आएगा ऊपर, अपने वाइस लेवल को टच करेगा, फिर दोबारा से की लेवल के पास आएगा और मार्केट फिर ब्रेकआउट देगा। ठीक है, फिर ब्रेकआउट देगा अपने वाइस की लेवल को, फिर हम वेट करेंगे अपने रीटेस्ट के लिए। मार्केट रीटेस्ट आएगा, ये इस पॉइंट तक नहीं आएगा, इस बार वो रीटेस्ट करेगा अपने मेन की लेवल को और फिर ऊपर जाएगा। दोस्तों ये हमारे दो
रीटेस्ट के फॉर्मूले हो गए, और तीसरा फॉर्मूला हमारा हो गया ये वाला, जिसमें मार्केट हम यहाँ पर यूज करेंगे फिबोनैकी। मार्केट आएगा अपने की लेवल को टच करेगा और वो ब्रेकआउट देगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से पैसे हमारे लेवल ये हैं, इंपॉर्टेंट हम इनको देखेंगे एक, और यहां से हम जीरो से पूरा हंड्रेड का क्या लेंगे, फिबोनैकी लेंगे, और रिट्रेसमेंट देखेंगे कि 0.5 या 0.68 का रिट्रेसमेंट कहां बैठ रहा है, और तब हम ट्रेड लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये तीन तरीके के मार्केट यहां पर आपको दिखने को मिल सकते हैं जब आप बाइंग करोगे। सेलिंग के मैं आगे आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, अब हम ऐसे सिनारियो पढ़ेंगे जिसमें जो हमारा ट्रेंड है, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा था, और ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट करके फिर ऊपर चला गया। अब हम यहां पर पढ़ेंगे मार्केट ऊपर जा रहा था और कुछ ऐसे सिनेरियो जिसमें मार्केट हमारा रिवर्स ही हो जाए। ठीक है, तो पहला हम यहां पर सबसे पहले हम एक्सट्रीम लेफ्ट वाला पढ़ेंगे और देखेंगे क्या सिनेरियो मार्केट। आप देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है आराम से पीक्स बनाते हुए, ये हो गया हमारा पहला की लेवल जिसमें उसने सपोर्ट लिया और फिर मार्केट ऊपर गया अपने वाइस की लेवल तक, वहां से मार्केट एक बहुत ही अच्छा यहां पर डाउनफॉल दिखाता है। तो आपके पास दो सिनेरियो हैं, पहले में क्या होगा, या तो मार्केट यहां से नीचे आ जाएगा, बट आप सोचेंगे कि भाई मार्केट हमारा इस पॉइंट से जो हमारा की लेवल है उससे नीचे आ जाए ऐसे, बट ऐसा नहीं होगा। मार्केट में क्या होगा, मार्केट हमारा सीधा अपना जो मेन वाइस की लेवल है उस तक पहुंचेगा और तब मार्केट नीचे आएगा। दूसरे सिनारियो में हमारा ऐसे हो सकता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, पहला यहां पे सपोर्ट लेगा इस पॉइंट पे जो कि हमारा है की लेवल, उसके बाद की लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद हमारा वाइस की लेवल तक जाएगा और फिर एक डाउनफॉल दिखाएगा। तो जरूरी नहीं है वो मार्केट इस बार यहां तक जाएगा, वो क्या करेगा अपने की लेवल तक रीटेस्ट देने के बाद मार्केट ब्रेक डाउन कर दे। और जो तीसरा है जो कि हमारा फिबोनैची वाला, हम क्या करेंगे, मार्केट ऊपर जा रहा है अपने की लेवल से सपोर्ट लेके एक हाई बनाता है, उसके बाद फिर क्या करता है मार्केट एक ब्रेकडाउन देता है, और फिर हमको पता करना कि मार्केट कहां तक अपना रीटेस्ट करेगा। तो बस कुछ नहीं करना, आपको जीरो से लेके 100 के बीच में क्या लगाना, फिबोनैची लगाना है, और जहां आपका 0.5 से 0.618 बैठ रहा हो उस लेवल को मार्क करना है और वहीं से मार्केट नीचे आने की पूरी प्रबल दावेदारी है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मार्केट कई खेल आपके साथ खेलेगा, आपको हर तरीके से मास्टर यहां पर होना है दोस्तों। ठीक है, तो ये अभी हम आपको बेसिक चीजें बता रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे हम जो को वीडियो को अभी यहां पर खत्म करने वाले हैं और नेक्स्ट चैप्टर में आपको की लेवल्स के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चलो बाय दोस्तों।